यू आर डूइंग वेल। आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम GCC। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इजी ट्रिक। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन को वन लाइन मल्टीप्लिकेशन में किया था 11 to 15, तो आज की वीडियो में हम करेंगे वन लाइन मल्टीप्लिकेशन 16 to 19। देखो हम 16 to 19 करेंगे, हमारा मेथड बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है उनके लिए तो बहुत इजी है, नहीं तो इस वीडियो को देखने से पहले अपनी मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देखो। बहुत इजी ट्रिक है जिसके साथ आप वन लाइन में इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी वे के साथ कर सकते हो। देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड क्वेश्चन में 17 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, थर्ड क्वेश्चन में 18 के साथ है, और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में है 19 के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1121 को। जब हम 1121 को किसी भी नंबर को 16 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, हमने लेफ्ट साइड पर क्या लगाना है, ज़ीरो। लेफ्ट साइड पे हम लगाते हैं ज़ीरो, तो उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मेरा आंसर आएगा 17936। ठीक है जी, अब आप सोचते हो कि इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया, ये आंसर मैंने आपको पहले भी इसका जो मेथड है वो पहले भी बताया था, बहुत इजी है। कैसे मैंने देखो किया, 6 को पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1, तो ये मेरा 1 आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस 6 प्लस 1 इज 7 आ गया। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 कर दिया, 8 आ गया। 6 को 2 के साथ किया, 12 प्लस 1 13 आ गया, 1 कैरी किया 9, 3 उसका आ गया 13 का, 6 into 1 6, ये मेरा आंसर बन गया 17936। सिमिलर वे के साथ हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर क्या है 17 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसमें भी सेम हम ऐसे ज़ीरो लगा देंगे, ये भी सेम मेरा मेथड है। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2, यहाँ पर मेरे पास पहले क्या आएगा, हमने अगर 2 लिखते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि अगले नंबर में कोई कैरी तो नहीं है। 7 into 2 14 plus 1, तो देखो कैरी आ गया, 2 plus 1 क्या बन गया, पहला नंबर मेरा 3 बन गया। 14 plus 1 यहाँ पर बन गया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, 7 into 1 7 plus 2, अब मेरे पास है 9, तो वो क्या बन गया, 2 और 9। उसके बाद हमारे पास है 7 into 2 14 plus 2 16, तो 20 जो 59 आया था 2 और 3, उसको मैंने 5 ऐड कर दिया, वो आ गया था 59, और आगे मैंने 1 कैरी कर लिया, वो मेरे पास बन गया 60। उसके बाद है नेक्स्ट है, अब हम करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या आया था हमारे पास 7 2 का 14 plus 1 15, और 1 जो हमारे पास 6 पहले बचा था 15, और इसका आ गया था एक 7, 15 का आ गया 1 कैरी करने के बाद, 7 into 1 का आ गया 7, तो ये बन गया 360757 इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन 21221 को, जब हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन है, सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करते हैं, ज़ीरो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं। देखो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 8 into 0 plus 1 is 1 into 8 into 4, नेक्स्ट हम करते हैं 3, फिर आएगा 2 5 4, ये आ गया 8 1 8 4 2 5 4, 1 8 4 3 2 5 4, ये आंसर है। अब इसको भी सेम वे के साथ किया, ये देखो 8 into 0 plus 1 कितना आ गया 1, अगला आ गया 8 into 1 plus 0, ये बन गया मेरे पास 8, 8 into 0 0 0 plus 2 is 2, 8 into 16 16 plus 4 20 आ गया। उसके बाद 8 into 4 32 plus 0 32 आ गया, 8 into 0 0 0 plus 3, ये आ गया 3, और 8 4 का 24। अब उसके बाद जैसे हम सेम करते हैं, 1 आ गया, 8 आ गया, 2 और 2 क्या बन गया, 4 बन गया। उसके बाद 3 आ गया, 2 और 3 कितना बन गया 5, 2 और 4 ये बन गया मेरे पास 5, और उसके बाद क्या बन गया 4, ये आंसर आ गया 1 8 4 3 2 5 4, क्लियर। उसके बाद है हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है, उसको मैं 19 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। अब इसमें भी सेम, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगा दिया, 9 into 0 0 plus 2, यहाँ पर पहले आ गई मेरे पास टर्म 2। अब हम चेक करेंगे कि जब 2 आई है तो कोई कैरी तो नहीं हो रहा, 9 2 का 18 plus 1 18 plus 0, तो बन गया 18, 2 और 1 को ऐड हमने किया तो कितना बन गया 3। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 18 का, क्या आ गया था मेरे पास 8 आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 0 आ जाएगा,
फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा 6 आ जाएगा, फिर अगेन मल्टीप्लाई करके वो 0 आ जाएगा, अगेन मेरे पास 9 और 1 × 9 = 9 आ जाएगा। इसका आंसर है 3.8 06.099। अब इसको कैसे सॉल्व किया, सेम उसी मेथड से 9 × 0 = 0 + 2 यहाँ पर आ गया 2, 9 × 2 = 18 + 0 = 18 आ गया, 9 × 0 + 0 = 0 आ गया, 9 × 0 + 3 = 3 आ गया, 9 × 3 = 27 + 2 = 29 आ गया, 9 × 2 = 18, 18 + 1 कितना हो गया 19, 9 × 1 क्या आ गया 19। देखो सेम आ गया हमारे पास, इसको हमने कैरी कर दिया, बन गया 380। यहाँ पर मेरे पास 29 है, 1 है, कैरी किया 30, तो 3 और 3 का कितना बन गया 6, उसके बाद आ गया 0, 9 और 9, ये हमारे पास आंसर बन गया 3806099। सो इस वे से अब हम मल्टीप्लीकेशन आज मैंने आपको करके दिखाई है, 16 से 19 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो जाएगी तो वो बच्चे इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।